हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार स्टेट पेपर 1 और 2 के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता यानी कि आर्ट्स ऑफ टीचिंग से प्रीवियस ईयर का मैं पेपर लेके आई हूँ। तो जिसमें मैं आप सभी को 2 प्रश्न तो करवा चुकी हूँ और ये हमारा 3रा प्रश्न पत्र है। ये आपको बिहार स्टेट पेपर 1 के नाम से मिल जाएगा। हालाँकि मैं इसका अलग से आर्ट्स ऑफ टीचिंग करके प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगी, जिसमें आप आसानी से इसको भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। तो ये पेपर हुआ था 14 सितंबर 2023 को इस शिफ्ट 1 में। मैंने इससे पहले जो कराया था वो आपका हुआ था एक 18 सितंबर का था और एक 15 सितंबर का था, और आज जो हम करेंगे वो है 14 सितंबर का। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है क्रिया आधारित अधिगम है। तो क्रिया आधारित अधिगम जो होता है, क्रिया क्या होता है? किसी काम को करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है। तो शिक्षार्थी क्या होता है? आश्रित चर होता है। ठीक है ना, ये जो चर होते हैं वो देखिए कई प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। शिक्षण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक होते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें जो शिक्षार्थी होते हैं वो आश्रित चर होते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है। तो ये क्या है? मानव अनुभव जो है शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है। नेक्स्ट है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? अमूर्त अवबोध सम्मिलित कर सकता है, मापन में कठिन प्रशंसा सम्मिलित करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आ जाता है उस पर आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है। तो दर्शन शास्त्र का क्या उपयोग है? विषय वस्तु में, विषय वस्तु चयन में, विधि चयन में, उद्देश्य चयन में, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया में। तो दर्शन शास्त्र का उपयोग जो है शिक्षा में किया जाता है उद्देश्य चयन करने के लिए। नेक्स्ट है पारंपरिक शिक्षण है। तो पारंपरिक शिक्षण क्या है? तो उसको हम निगमन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है वाद विवाद एवं विचार विमर्श, दलगत कार्य, व्याख्यान, या फिर स्व अध्ययन। तो एक अधिक जनसंख्या, जहाँ पे जनसंख्या अधिक हो वहाँ पे व्याख्यान विधि जो है वो बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण का लक्ष्य है सूचना प्रदान करना, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ज्ञान अंतरिष्ट करना, या फिर व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। तो देखिए शिक्षण का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। तो इसकी स्थापना करने वाले कौन है? बालगृह यानी मॉन्टेसरी की शुरुआत जो है, मॉन्टेसरी के द्वारा जो है बालगृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। कब की गई? तो 6 जनवरी 1907 को। किसके द्वारा? सेंट लॉरेंजो नामक स्थान में बालगृह नाम से इसकी स्थापना की गई। और इसमें क्या हुआ? तो इसमें बालकों का बड़ा लाभ हुआ और मॉन्टेसरी पद्धति का जो प्रचार है वो होने लग गया। मॉन्टेसरी विधि के उपयोग से पिछड़े बालकों में आश्चर्यजनक ढंग से प्रगति की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विश्लेषण रचना विकास कार्यान्वयन मूल्यांकन है। तो ये सभी चीज़ें क्या है? तो ये सभी है ADDIE मॉडल है। ठीक है, ADDIE मॉडल, इसका उपयोग जो है अनुदेशात्मक डिजाइनरों और प्रशिक्षण विकासकर्ता द्वारा प्रभावी शिक्षण अनुभव बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद करता है कर सकता है जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है केरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। तो किस सिद्धांत की? केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के उपयोग में के रूप में उपयोग करने के लिए, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, या फिर अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व ना देने पर। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए यहाँ क्या है, शैशवावस्था यानी जो शुरुआत की होगी, फिर बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था जो हो जाती है वो प्राथमिक हो गई, और इसके बाद जो बाल्यावस्था होगी वो माध्यमिक हो गई। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट था। चलिए नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? उपचार, निदान और प्रतिपूर्ति, ये तीनों ही अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। छात्रों के सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना, कक्षा कक्ष में छात्र का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्याओं को कम करना, सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। तो शिक्षण सहायक सामग्री का जो उपयोग है, सीखने के कार्यों में छात्रों की भागीदारी के लिए उचित है। चलिए नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक मदद करती है। तो पाठ्य पुस्तक किस चीज़ के लिए मदद करती है? छात्रों का मार्गदर्शन करने में और शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। तो ये क्या है, एक वैज्ञानिक प्रगति, शिक्षक प्रभावशीलता जो है एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महामंडित किया गया, क्योंकि वे छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं, वह एक महान देशभक्त है। तो ये तो नहीं है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उचित मूल्यों से अवगत कराते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सहायक के रूप में, सलाहकार के रूप में, सहभागी के रूप में। तो शिक्षक जो है वो सहायक के रूप में भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट है, एक अच्छे मूल्यांकन में डैश होता है। तो अच्छे मूल्यांकन के लिए क्या ज़रूरी है? तो अच्छे मूल्यांकन के लिए व्यक्तिनिष्ठता बिल्कुल भी नहीं, पक्षपात हो ये भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, वैधता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके अलावा देखिए अच्छे मूल्यांकन की क्या क्या विशेषता है वो आप देख सकते हैं, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठता, वैधता, नियोजन और प्रयोजकता, ये सभी जो है अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? निर्माणात्मक, वाद विवाद, संकलात्मक या CCE। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वाद विवाद। ठीक है, इसके अलावा जो है मूल्यांकन के प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक या संकलात्मक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, वाद विवाद जो है इसमें शामिल नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है, मूल्यांकन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? विषय से, अधिगम प्रक्रिया, इसके उद्देश्य से। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य चर्चा से संबंधित नहीं है? यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है, यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम भाग है। तो पाठ्यक्रम किस चीज़ का भाग है? अब देखिए पाठ्यक्रम जो भाग है वो किस चीज़ का है? शिक्षण का, पाठ्य चर्चा का, वर्ग कक्षा का या फिर समाज का? तो पाठ्यक्रम जो होता है वो पाठ्यचर्या का विभाग होता है, कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ का ये भाग होता है। चलिए नेक्स्ट है, इसके अलावा जो है क्या क्या होते हैं वो भी देख सकते हैं, पाठ्यचर्चा, पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम, ये तीनों जो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है, मोसले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो मोसले ने जो है मानव आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है?
तो देखिए इसमें दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, समबद्धता एवं स्नेह आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ठीक है। ये पांच भागों में जो है मोसले ने मानव आवश्यकताओं को बांटा है। चलिए नेक्स्ट है, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। जीवित प्राणी, लड़का केवल, लड़की केवल या फिर उपरोक्त सभी, तो सीखना जो है जीवित प्राणी के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? पारंपरिक वर्ग शिक्षा, वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव या फिर जातिगत अनुभव? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिगत अनुभव। पारंपरिक जो वर्ग कक्षा होती है वो तो महत्वपूर्ण है, शिक्षकों का अनुभव भी और अधिगम अनुभव भी है, ठीक है, लेकिन जातिगत अनुभव इसमें भूमिका नहीं अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयामी शिक्षण सामग्री है, मॉडल है, चार्ट है, वस्तु है, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक है, और इनको जो है त्रिआयामी सहायक सामग्री भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हैंड्स ऑन सीखना अर्थ है, हैंड्स ऑन का क्या, पूछताछ करके सीखना, करके सीखना, अवलोकन करके सीखना या फिर उपरोक्त सभी? हैंड्स ऑन सीखना होता है करके सीखना, ठीक है, तो करके सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग नए अनुभव और कौशल सीखने के लिए अपने पूर्व ज्ञान, कौशल, क्षमताओं और अनुभवों को समझते हैं। यह विधि छात्रों के को स्वयं के व्यवहार से विश्लेषण करने और सीखने के लिए संलग्न करती है। चलिए नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो इनको देश नायक कहने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खजियार को, ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और ये खजियार जो है कहाँ है, यह डलहौजी हिमाचल प्रदेश के पास एक छोटा सा शहर है, ठीक है। नेक्स्ट है, पीई शेयर बाजार में सबसे अधिक, सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है, तो ये पीई क्या होता है? तो पीई मतलब कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग, इसका मीनिंग क्या होता है, पी बटे ई का प्राइस टू अर्निंग, कमाई का मूल्य, जो कि अनुपात स्टॉक चयन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो ये बिहार और बंगाल में लोकप्रिय था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो आधिकारिक भाषाएं, भूमि सुधार, दल बदल विरोधी कानून, पंचायती राज, इसका राइट आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें अगर हम देख लेते हैं कि कौन से प्रावधान है, तो देखिए 8वीं में आधिकारिक भाषाएं आती है, 9वीं में भूमि सुधार आता है, 10वीं में दल विरोधी कानून आता है और 11वीं में पंचायती राज आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेल में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि कहाँ से होगी, प्रकाश ऊर्जा नहीं, रासायनिक ऊर्जा नहीं, मांसपेशियों की ऊर्जा, वो क्रिकेट खेलता है तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, मांसपेशियों की ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? पौनी चावल, बोरा चावल, अरबोरियो चावल या फिर बोम्बा चावल? तो बोरा चावल जो होता है वो चिपचिपे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, नहीं केवल प्रकाश ऊर्जा, देखिए ऊष्मा प्रकट हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कौन सा गलत कथन है? वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, वे निगल जाते हैं ना कि चबाकर खाते हैं, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, यह सही है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, तो ये जो पहला ऑप्शन है कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, बिल्कुल भी गलत है, वो निगल जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। तो गुजरात से अगर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या होगी, तो उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर पूर्व में होगा और आंध्र प्रदेश जो है वो दक्षिण पूर्व में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। सही है, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। नेक्स्ट है, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन है। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, अधिक कम लंबा मोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं, तो ये अवधारणाएं क्या कहलाती है, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी कि प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है, विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक है। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा का विशेषण है, तो नहीं, ये एक पूर्व संख्या यानी प्री नंबर की अवधारणा है। ठीक है, नेक्स्ट है, गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है और कक्षा में जो है अधिगम का वातावरण में निर्माण करती है। डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो 2/3 और 4/6 का जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त विधि का उपयोग सबसे बेहतर है। नेक्स्ट है, यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा 0.2 स्थानों तक। सही, यहाँ पे आंसर लगाना है। तो माना कि पुस्तक का मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या होगा 100 का 92%, तो क्या आ जाएगा 92 रुपये। तो लाभ यहाँ पे क्या होगा, तो फिर लाभ परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 100 माना था हमने, 100 माइनस कितना लाभ हुआ है 92/92 /100, तो आ गया 8.69%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ग्राम का संबंध जिस तरीके से वजन से है, सेंटीमीटर का संबंध उस किससे है। तो सेंटीमीटर का संबंध होता है लंबाई से, किस चीज़ की लंबाई नापने के लिए हम सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो, तेंदुआ, पैंथर, शेर, लेकिन लोमड़ी जो है इन सब से भिन्न है। तेंदुआ, शेर और पैंथर जो है सभी क्या है, बिल्ली की प्रजाति से संबंधित है, लेकिन लोमड़ी जो है वो इनसे अलग है। अब यहाँ पे आपको इसका क्रम देखना है, देखिए 3, 5, 9, 17, 33, तो ये किस अनुपात में बढ़ रहे हैं। 3, 2 आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पे 4 आगे बढ़ गया, फिर 6 आगे बढ़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 आगे बढ़ा है, फिर 4, फिर 8 आगे है, फिर 16 और फिर 32, यानी 2 × 2 × 2, तो 32 दूनी हम कर देंगे उससे आगे। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, 65 कर दिया है, तो 65 जो इसका राइट आंसर माना गया है, तो 32 × 2 तो 64 होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65 तो नहीं आना चाहिए था, +1 तो आएगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, एक मिनट, अच्छा उसे एक क्रम हमें ज़्यादा रखना है, जैसे कि 8 × 2 नहीं, ठीक है मैं ही गलत थी, जैसे कि यहाँ पे आ गया ये 2 आगे बढ़ा है, तो आ गया 4, तो 4 में 1 जोड़ दिया 5, फिर यहाँ से 2 आगे 4 आगे बढ़ा है, तो एक संख्या हमें उसे आगे जोड़नी है, तो 65 सही है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है चलिए नेक्स्ट है, यदि रिदमिक को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में म्यूजिक को कैसे लिखेंगे। अब देख सकते हैं
आर से जब क्यू की तरफ जाते हैं तो एक माइनस हो रहा है, एस से जी की तरफ एक माइनस, सभी में एक एक माइनस हो रहा है। तो ऐसे ही म्यूजिक में हम एक कम कर देंगे तो आ जाएगा एल टी आर एच बी, ठीक है, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु और बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है, रघु की माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश है, राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए रघु और बाबू जुड़वा है, रघु है बाबू है, दोनों जुड़वा भाई हैं, ठीक है। बाबू की बहन कौन है, रीमा है, ठीक है, तो ये इसकी भी तो बहन ही हुई, ठीक है, और रीमा के पति राजन है, ठीक है, रघु की माता लक्ष्मी है, ठीक है, लक्ष्मी के पति राजेश है, तो राजेश क्या हो गए, ये कौन हो गए, फादर और मदर हो गए, ठीक है ना। तो राजेश और राजन किस प्रकार संबंधित है, तो ये ससुर और दामाद हो गए, ठीक है, तो राजेश जो है वो क्या है, ससुर है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। तो चलिए ये थी आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रश्नों की, तो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इसी प्रकार से मैं आपको जितने भी PYQ हैं पेपर 1 और 2 के जो ये 50 प्रश्नों की जो श्रृंखला है आर्ट्स ऑफ टीचिंग का शिक्षण एवं अन्य कला दक्षा, वो भी मैं जितने प्रश्न हैं वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी, तो चैनल से जुड़िएगा ताकि अधिक से अधिक प्रश्न आप परीक्षा से पहले कर सके। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।